नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंढक का घर में आना शुभ होता है या फिर अशुभ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल जय श्री कृष्णा को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर मेंढक का घर में आना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ। दोस्तों, हम सभी लोगों के घर में अक्सर मेंढक आते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मेंढक का आगमन बारिश के समय में होता है और कई बार मेंढक अचानक से भी हम सभी के घर में आ जाते हैं। वहीं दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेंढक को देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मन में यह बात आता है कि आखिर मेंढक का घर में आना क्या संकेत हो सकता है और यह हमें किस बात का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मेंढक का घर में आना बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेंढक को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति के घर में मेंढक अचानक से दिखाई दे, यानी कि अचानक से उसके घर में आ जाए या फिर उसको अपने घर के आसपास दिखाई दे, तो दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि उसे अचानक ही बहुत सारे धन का लाभ होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, मेंढक का घर में आना जीवन में सुख समृद्धि के आने का भी संकेत देता है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में अचानक से मेंढक आ गया है या फिर आपको मेंढक दिखाई दिया है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके जीवन में अब सुख शांति आने वाली है। इतना ही नहीं, आपके घर में अपार धन की वर्षा होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।